प्रदेश में आचार संहिता लगते ही प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। अमरपाटन में पुलिस बल और प्रशासन ने पैदल फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं प्रशासन ने आने जाने वाले वाहनों पर भी पैनी नजर बनाई रखी। प्रदेश में आचार संहिता लगते ही पूरा प्रशासन चौकस हो गया है। प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव कराने और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अमरपाटन में प्रशासन ने पैदल फ्लैग मार्च निकाला जिसमें लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं आगामी त्योहारों को लेकर भी प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए। पुलिस प्रशासन ने वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जिसमें आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली गई। जिन भी वाहनों पर राजनीतिक पोस्टर स्टिकर व झंडे लगे हुए थे उन्हें हटा दिया गया है। इस दौरान एसडीएम आरती यादव, तहसीलदार रामदेव साकेत, थाना प्रभारी आदित्य सेन सहित पुलिस और राजस्व अमला मौजूद रहा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल से आचार संहिता लग गई है और आचार संहिता के पालन के साथ ही माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा पूरे जिले में इंक्लूडिंग मैहर जिला में ये 144 प्रभावित है, उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। साथ ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत शासकीय संपत्तियों का देखभाल किया जा रहा है कि कहीं पे कोई पोस्टर बैनर ना हो और धाराओं का इम्प्लीमेंट कराने के लिए पुलिस के साथ एक दल बल के प्रदर्शन किया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।